वन मिनट वो कैब सीरीज आज का वर्ड है इनविंसिबल है वेलकम बैक टू अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना सपोर्ट करिए मुझे ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाते रहूं ऑल्सो यू कैन कंटिन्यू इंप्रूविंग योर इंग्लिश हर दिन बिना एक्चुअली पुटिंग एनी हार्ड वर्क चलिए स्टार्ट करते हैं इन्विसिबल एक ऑब्जेक्टिव है अगर हम इसका सफिक्स देखें बी एल ई इसका मतलब है किसी चीज़ की कैपेबिलिटी को बताना और प्रीफ़िक्स है इन इसका मतलब है कुछ ना होना नॉट इन्विंसिबल का मतलब हुआ इनकेपेबल ऑफ बीइंग कॉन्कर्ड ओवरकम या फिर सबड्यूड यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ या फिर व्यक्ति जिसको कौकर करना जीत पाना मुश्किल है ओवरकम नहीं किया जा सकता है दबाया नहीं जा सकता है तो उस व्यक्ति या उस चीज को हम बोलेंगे इनविंसिबल जब इन्विंसिबल की बात आती है तो हम इसे एक और वर्ड बना सकते हैं जिसको हम बोलेंगे इन्विंसिबिलिटी आई टी वाई एक नाउन का कॉमन सफिक्स है इन्विंसिबलनेस भी इससे एक वर्ड बन सकता है नेस भी एक कॉमन सफिक्स है नाउन का एक और वर्ड इन्विंसिबली एल वाई कॉमन सफिक्स है एक एडवर्ब के लिए तो ये तीन वर्ड आप इन्विंसिबल के साथ में सीख सकते हैं तीन और वर्ड इन्विसिबलिटी और इन्विंसिबल जो है वो स्टेट ऑफ बींग इन्विसिबल बताते हैं लेट अस सी द अग्जाम्पल यंग एथलीट्स थिंक ऑफ देमसेल्व एज इनवेंसिबल यंग एथलीट्स जो हैं वो अपने आप को इनविंसिबल समझते हैं या फिर वो अपने आप को इनवलनरेबल भी समझ सकते हैं या फिर अनबीटेबल इनसरमाउंटेबल इन सरमाउंटेबल या फिर वो कहेंगे अपने आप को अनस्टॉपेबल तो जब भी आपको इनवेंसिबल को रिप्लेस करना हो किसी और वर्ड से जिसका मीनिंग सिमिलर हो तो आप बोल सकते हैं इनवलरेबल अनबीटेबल इन या फिर अनस्टॉपेबल सो दैट्स दैट सेटकाइस अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और किसी भी तरीके से हेल्पफुल था आपकी कोई भी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुई है तो डेफिनेटली आप भी मेरे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चलिए वापस से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कुछ एक्साइटिंग एंड कुछ इंफॉर्मेटिव सीखने के लिए Till then, take care of yourself and bye bye.